टाइटल ऐसा है कि एक फिल्म थी राज कपूर साहब की, जो जिसका मेरी ज़िंदगी में बड़ा प्रभाव रहा है। फिल्म थी संगम, जिसमें राज कपूर साहब, राजेंद्र कुमार जी और विजयंती माला थी। संगम फिल्म, और उसमें एक सुपरहिट सॉन्ग था कि हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। तो उन्होंने लाइफ की फिलॉसफी को गाने के रूप में लिया। जब ये फिल्म मैं कर रहा था तो मैं चाहता था कि कोई ज़िंदगी इतनी खुशगवार है, इतनी म्यूजिकल है, इतने शेड्स हैं, अगर इसका भी टाइटल कुछ म्यूजिकल हो। तो एक दिन स्ट्राइक किया मुझे कि व्हाई नॉट ये टाइटल हो जो सबको, पूरी टीम को पसंद आया, कि हर दिल जो प्यार करेगा। क्योंकि इतना हिट गाना था कि उसके आगे की लाइनें, पीछे की लाइनें, आदमी जब भी मैं टाइटल बोलता था, मैं जैसे ही बोलता था हर दिल जो प्यार करेगा, तो आगे से जो आता वो गाना गाएगा। तो फिर मैंने स्पेशल परमिशन लेके आगे से फिर इस गाने को फिल्म के अंदर भी रखा, क्लाइमैक्स के अंदर। सर, हर दिल जो प्यार करेगा इज फर्स्ट ऑफ इट्स लव स्टोरी, जहाँ रानी मुखर्जी कोमा में, एक्ट्रेस कोमा में, तो उनको शूट करना कितना मुश्किल था, उनके सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशंस पूरी फिल्म में है, आधे से ऊपर फिल्म में। देखिए, जब हमारे पास डायलॉग्स होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, करेक्टर्स के मूवमेंट्स होते हैं, कैमरा के मूवमेंट्स होते हैं, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती हम लोगों को। सबसे डिफ़िकल्ट जो परफॉर्मेंस वाइज और शूट वाइज था, वो रानी का ही करेक्टर था, कि कई कई मिनट तक उसको आंखें पलक झपके बगैर, क्योंकि अगर उसकी पलक झपक जाती थी तो दूसरे एक्टर को जो फ्रेम में है उसको रीटेक देना पड़ता था। पर मैं हेड्स ऑफ रानी कि उसने कभी भी मुझे पूरी शूटिंग में उसकी वजह से कोई रिटेक नहीं हुआ। हुए भी होंगे तो एक या दो हुआ होंगे। सर, ऐसा कोई सलमान का ऐसा कोई सीन हो जो आपको सबसे अच्छा लगा और वो आपके भी एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड चला गया, मतलब उन्होंने इतना अच्छा शॉट दिया। सलमान का एक सीक्वेंस है, आपने फिल्म अगर गौर से देखी हो, कि एक गाड़ी रेलवे ट्रैक पे खड़ी है, कार, और उधर से ट्रेन आ रही है, और वो उसको नोटिस होता है कि अंदर तो एक दुल्हन का, वो एक्चुअली दुल्हन थी अपना रानी मुखर्जी, और वो उसको बचाना चाहता है। निक ऑफ द टाइम है, और उसकी जो शॉट डिवीजन थी, जो उसके कैमरा प्लेसिंग थे, वो कई शॉट्स सलमान ने रियल दिए। उसको शूट करते हुए मुझे बहुत डर लग रहा था उस सीक्वेंस को, कि कहीं भी टाइमिंग गलत हुई तो। ये सबसे बड़ा बोझ एज ए डायरेक्टर मेरे ऊपर और एक्शन कोऑर्डिनेटर अब्बास अली, मैं हमेशा उनसे पूछता था सेफ सेफ, कहते सेफ तो है पर सलमान भाई वॉन्ट्स टू डू दिस, यू नो। तो वो एक जो चीज थी, और उसके उसी की वजह से वो सीक्वेंस इतना अप्रिशिएट हुआ। और वो जो कटिंग थी, जब वो उनके हाथ उसको गाड़ी से बाहर रानी मुखर्जी की बॉडी को निकालना, और एक फ्रीक्वेंस ऑफ सेकंड था कि ये गाड़ी है और ये ट्रेन है, ये कार है और जो वो ट्रेन है, और निकल जाना। और उस टाइम पे हमने 5-6 कैमरे सेटअप किए हुए थे, बट द वे उन्होंने शूट किया कि हल्का से भी, क्योंकि ट्रैक पे बहुत सारे पत्थर होते हैं रेलवे ट्रैक पे, कि कहीं भी कुछ भी हो सकता था, एड़ी भी फिसल सकती थी, कुछ भी हो सकता, एनी थिंग कैन हैपन। द वे उसने कॉपरेट किया, वो मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट था। और एक उसके, मैं सोचता था कि एक शख्स इस लड़की को प्यार करता है, और उसी लड़की की बहन का उसको हस्बैंड समझ रहे हैं, जो दोनों लड़कियां एक साथ हैं फ्रेम में, जो उसको उसका एक कुछ लोगों के लिए उसका पति, और कुछ और वो उसका बॉयफ्रेंड है, उसको प्यार करता है, वो डबल एक्सप्रेशन देना, मैं सोच भी नहीं सकता था जिस तरह से सलमान भाई ने प्रोजेक्ट किया। इट्स वेरी गुड, रियल। सर, सलमान को छोड़े तो सलमान को साइड में रख के अगर और कोई ऐसा सीन हो जो आपके बहुत क्लोज हो हार्ट के फिल्म से रिलेटेड। देखिए, एक गाना मैंने उनको फोर्स करके गवाया था सलमान से, कि एक एक्टर की फ्रस्ट्रेशन, तो पहले तो वो करने को तैयार नहीं थे। एक गवानिश सॉन्ग है, इंग्लिश गवानिश सॉन्ग, और वो प्रिपेयर नहीं हो पा रहे थे कि मैं करूं या नहीं करूं, कहीं है। बट वो उस आदमी ने जब दिल से किया, मुझे नहीं लगता आज तक किसी हीरो ने उस तरह से अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाली हो, सीक्वेंस के हिसाब से विद म्यूज़िक। आप वो देखिए, वो फिल्म के अंदर है, जो उन्होंने खुद गाया है, खुद गाया है, खुद के डायलॉग है उनके उस गाने के अंदर। इस फिल्म में गाने इंटीग्रल पार्ट है, विदाउट सॉन्ग्स ये फिल्म इमेजिन नहीं की जा सकती, तो किस तरीके का ब्रीफ दिया गया लिरिसिस्ट को, म्यूजिक डायरेक्टर को,
देखिए मैं जो भी फिल्म सोचता हूँ, आज तक मैंने जो भी फिल्में बनाई हैं, जितनी भी फिल्में बनाई हैं, मैं कहानी के साथ साथ म्यूज़िक को सोचता हूँ। और ये फिल्म में अगर इसको दूसरी तरीके से भी मैं बना सकता था, बहुत ही आर्ट फिल्म काइंड ऑफ फिल्म भी हो सकती थी, बट विदाउट म्यूज़िक, म्यूज़िक ने इसकी लव को एनहांसमेंट दी, उस लव को बढ़ाया। मोहब्बत जो मैं प्रोजेक्ट करना चाहता था करेक्टर्स की, म्यूज़िक ने उसको बढ़ाया। तो इसका म्यूज़िक पहले सोचा गया। यू नो, जब एक फिल्म का टाइटल है कि हर दिल जो प्यार करेगा, तो वो गाना ही गाएगा और दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। और सबसे बड़ी मुश्किल और चैलेंज अनु मलिक और समीर साहब के लिए ये था कि टाइटल सॉन्ग बनाना, और उसको बहुत बाखूबी, उसको बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैंने शूट किया था। वो आप, वो एक वन ऑफ द हाईलाइट थी फिल्म की। लोग वो गाना देखने आते थे कि जब रानी मुखर्जी रिवाइव करती हैं, होश में आती हैं, और उसके बाद वो गाना था, उसे हंसना भी होगा, उसे रोना भी होगा, सुबह शाम तन्हाई में आहें भरेगा, हर दिल जो प्यार करेगा। और द वे हमने जो शूट किया उसको, बहुत ही रोमांटिक, पैशनेट और मर्दानापन था उस गाने के अंदर, उसके पोस्चर में सलमान के, द वे ही यूजिंग द ड्रम, जो एक पूरा इंडियन ठेका था, उसको थोड़ा सा आज के हिसाब से उसको फ्यूजन टच दिया था हम लोगों ने। तो टाइटल सॉन्ग डेजर्ट्स में शूट किया, डेजर्ट काफ़ी लोकेशन से शूट किया। डेजर्ट्स कैसे दिमाग में आया कि डेजर्ट में शूट करना? जनरली यही था मेरा कॉन्सेप्ट कि जिसकी जिंदगी रेत रेगिस्तान थी, जिस करेक्टर की, रानी मुखर्जी की, जहाँ ना पानी है, जहाँ ना वो ब्लिंक कर सकती है, ना हंस सकती है, ना कुछ कर सकती, शी इज़ लाइक वेजिटेबल, कोमा में है। उधर है कि हमारे यहाँ कहते हैं सहरा आखिर होता है, उसके अंदर लाइफ नहीं होती, वहाँ उसने लाइफ देखी। तो मेरा कॉन्सेप्ट भी यही था कि जो फूल खिला मोहब्बत का उसका, वो तो लेटे लेटे प्यार करने लग पड़ी, क्योंकि दिमाग चल रहा था उसका, कुछ नहीं चल रहा था बाकी। तो उसका मोहब्बत का जो उसका था, तो मैंने रेगिस्तान को भी एक मोहब्बत का कलर दिया उसमें। आज तक जितने भी गाने कभी रेगिस्तान के लिए गाए गए हैं या शूट किए गए हैं, उनमें एक अजीब सी सैडनेस होती, सैड सॉन्ग। ये पहला गाना था फिल्म इतिहास का जहाँ पर रोमांस का ग्लॉस दिखा दिया था मैंने। सर सलमान, जैसे आपने बताया सलमान ने खुद ने गाना गाया था, तो उन्हें कन्विंस करना कितना मुश्किल हुआ था? ये सलमान की एक बहुत अच्छी खासियत है, अगर उसके दिल को बात लगे, और कुछ नई बात थी कि हमेशा होता हम डायलॉग से या ग्लास तोड़ देते हैं या कुछ चीज फेंक देते कि अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी हो, हैं, तो उसको लगा कि एक करेक्टर है, म्यूजिकल है, और यहाँ पर स्टार बनने आया है, म्यूजिकल स्टार बनने आया है, तो उसकी अप्रोच भी फ्रस्ट्रेशन की है, तो वो एक नयापन था। तो अब ऐसी कोई चीज़ है जो पूरी फिल्म बन चुकी है, हो चुका है, अब आप कुछ बदलना चाहें उस फिल्म में? देखिए, आदमी का किया हुआ काम हमेशा, मेरे साथ तो यही होता कि मुझे लगता है कि आज मैं उसको शूट करता तो थोड़ा और बेटर कर सकता था, और बेटर करता था। समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी बढ़ती है, काफ़ी चीज़ें बढ़ती हैं, बट ये फिल्म से हर दिल जो प्यार करेगा, एक इमोशनल इंडियन कहानी होते हुए भी जो मॉडर्न टच था फिल्म के अंदर, यहीं से शुरू हुआ था फिल्म लाइन में। चाहे वो कॉस्ट्यूम की बात हो, चाहे शूटिंग की बात हो, पिक्चराइजेशन की बात हो, वो इसी फिल्म से शुरू हुई थी। सो अबाउट द कास्टिंग ऑफ द फिल्म, सलमान, प्रीति, रानी, ये तीनों फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी स्टार कास्ट एक साथ दिखाई दी थी, तीनों एक साथ? मैंने तीनों के साथ अलग अलग जगह पे एक काम किया हुआ था। सलमान के साथ जीत में काम किया होता, रानी के साथ बादल में काम किया हुआ था, प्रीति के साथ फर्ज में काम किया होता, और मैं एक बहुत ही यंग फिल्म बना रहा था। इतनी मैच्योर स्टोरी के बावजूद मैं इसको यंग फिल्म इसलिए बोलूँगा थी कि अप्रोच बड़ी यंग रखना चाहता था मैं इस फिल्म के अंदर। तो मैं एक ऐसे कॉम्बिनेशन की तलाश कर रहा था कि जिसके अंदर लोग बिलीव करें कि यार ये आज के यंगस्टर के अंदर भी ऐसा इमोशंस होता है। तो मैं, मेरे को जब लगा कि ये दो हीरोइंस हैं हमारे पास, सलमान है, तो एक नया कॉम्बो होगा, नया कॉम्बिनेशन होगा, और एक साथ होगा तो अलग लगा। पहली बार दो लड़कियों को टॉवल में गाना दिया गया, पिया पिया पिया, वो भी एक रेंज बन गई थी इस फिल्म की, कि हर बच्चियां शादी ब्याह में वही लेडीज संगीत में गा रही हैं, वही जगह जगह पार्टियों में बज रहा था पिया पिया पिया, तो एक बिलीवेबल चीज़ लगी।
उससे यंगस्टर ने रिलेट किया। नहीं तो अक्सर क्या होता है, इस तरह की मेच्योर कहानी के लिए हम मेच्योर एक्टर ढूंढते हैं, तो दैट्स व्हाई दिस कॉम्बिनेशन इज सक्सेस। और कन्विंस करना कितना मुश्किल था, मतलब तीनों एक ही बार में मान गया या? बिल्कुल बिल्कुल, कोई कन्विंस करने के, वो दे आर वेरी हैप्पी टू डू दिस फिल्म, क्योंकि हमारा पास्ट भी अच्छा रहा था। साजिद मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, साजिद नडियाड वाला, मैंने उनके लिए पहले भी एक फिल्म की थी जीत विद सलमान खान एंड सनी देओल, तो हमने एक साथ काम किया हुआ था। सर शाहरुख खान एक सरप्राइज एलिमेंट थे इस फिल्म के लिए, एंड शाहरुख खान और सलमान खान को स्क्रीन शेयर करते हुए देख बहुत अच्छा लगा, तो ये किसका आइडिया था कि एक गेस्ट अपीयरेंस शाहरुख खान भी थे? शाहरुख जिस पॉइंट पे आते थे कि ऑडियंस को एकदम से हिल जाना चाहिए था, तो बचपन में मैंने एक फिल्म देखी थी काजल, धर्मेंद्र, मीना कुमारी और राजकुमार की, तो मेरे दिमाग में फिक्स था कि जब, मुझे याद है आज भी वो शॉट, कि जब मीना कुमारी पुल से छलांग लगाती मरने के लिए तो उसको एक शख्स बचाता है, और जब शख्स का फेस आया था इंटरवल शॉट पे आया था तो लोग पागल हो गए थे, पता नहीं अब क्या होगा राजकुमार। और बीइंग ए, मैंने हम दोनों ने एक साथ पहली फिल्म की दीवाना, जिससे शाहरुख खान भी आए राजकुमार भी आए फिल्म लाइन में, तो मैं सोचता था कि कभी ऐसी कोई फिल्म करूँगा पूरी उनके साथ जो जिसकी स्क्रिप्ट दीवाना से भी अच्छी हो। पर यहाँ मैंने महसूस किया कि मुझे अगर, शाहरुख भी बहुत बड़े स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, कि लोग एक सेकंड के लिए हिल जाएं कि अब क्या होगा, कि उनका आते ही एक डायलॉग जाता है क्या हुआ मेरी बीवी को, ये बोलती क्यों नहीं, तो उस मोमेंट पे छोड़ा था। और वो जो चीज़ मैं चाहता था इम्पैक्ट, वो शाहरुख के आने से ही हुआ। और मुझे याद है जब शाहरुख को बोला कि ये एक कैमियो करना है, बोले कहाँ खड़ा होना बताइए, ये सच ए स्वीट गाय है। सर अभी आपने बोला काजल, तो आपकी मेजॉरिटी फिल्म्स में काजल नाम होता है, क्या रीज़न क्या है इसके पीछे? देखिए कुछ चीज़ें होती हैं आदमी के दिमाग में होती हैं, जैसे आज मैं फर्स्ट टाइम आपने ये बात को प्रेस में ला रहे हैं, और मैं फर्स्ट टाइम ये बात शेयर कर रहा हूँ बड़ा ऑनेस्टली, कि ये बात है कि बचपन में मेरी माता जी जब जिंदा थी तो वो काजल लगाया करती थी आँखों में, हम नॉर्थ इंडिया के हैं फ्रंटियर के, और जब लगाए थे तो मैं हमेशा पूछता ये क्या कहते काजल, और वो एक नाम था ऐसा जो मेरे जहन में बस गया, और मेरे अंदर एक डेवलप हुई कि मेरी जो लाइफ में पहली शरीक हयात होगी, चाहे वो पत्नी हो या उससे पहले मेरी कोई गर्लफ्रेंड हो, तो उसका नाम काजल होगा। एक इंटरेस्टिंग से, क्यों बच्चे बहुत ख्वाब देखते हैं, तो मैं एक बचपन में ही ख्वाब देखता था और वो मेरे दिमाग में रहा, और वो पूरा हुआ मेरा फिल्म लाइन में, कि वो नाम को मैंने बचपन के नाम को आगे लेके आया, कि काजल होती तो ऐसी होती, काजल होती तो ऐसी करती, काजल होती तो ऐसा होता, यू नो, दैट्स व्हाई काफ़ी फिल्मों में उसका असर रहा और नाम आगे बढ़ता रहा। इस मूवी में काफ़ी कॉमेडी सीन्स भी हैं, शक्ति कपूर जी जी जी, सलमान की भी काफ़ी कॉमेडी, एक सीन है जहाँ वो बस स्टॉप पे अपनी जूस की दुकान खोल लेते हैं जी जी, तो वो आइडिया कहाँ से आया? देखिए वो एक स्क्रिप्ट में था, पर हम उसको कितना इंटरेस्टिंग बना सकते जब एक हो कि ये करेक्टर ऐसा है, इनको पैसे की ज़रूरत है, पैसा कैसे उसको बस स्टॉप को भेज देना है या जूस की दुकान को भेज देना है, यू नो, काफ़ी चीज़ें, तो इसे डिस्कशन करते करते कि क्यों ना इसको कॉमेडी वे में ट्रीट किया जाए, क्योंकि एक करेक्टर इतना ग्रिम था रानी का कि वो लेटा ही हुआ है, उसके इमोशन तो जागेंगे जब वो खुद जागेंगे, तो इसलिए इंटरेस्टिंग म्यूजिक, इंटरेस्टिंग कॉमेडी पोर्शन, इसका सहारा लिया हम लोगों ने। तो सलमान और नीरज वोरा के भी काफ़ी कॉमेडी सीन्स हैं जी जी, वो सलमान के कॉमेडी टाइमिंग और कैसी लगती है आपको? बहुत अच्छी लगती है, अलग है वो बंदा, जब भी काम करता है वो सलमान खान ही काम करता है, यू नो, वो किसी को कॉपी नहीं करता। सलमान खान की सबसे प्लस पॉइंट एज एन एक्टर है वो उसके अंदर एक अलग सा एक्टर है, वो उसी को प्रोजेक्ट करता है, कि ये नहीं कि कॉमेडी सीन आया तो मुझे इस तरह महमूद साहब की तरह एक्टिंग करनी है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो नहीं, सलमान क्या सोचता है एज एन एक्टर वो उसी हिसाब से प्रोजेक्ट करता है, इसलिए बहुत फ्रेश लगता है आज तक। सलमान को मिस्टर साजिद के लिए काफ़ी लकी माना जाता है, उनकी काफ़ी फिल्मों में काम किया है, आपके लिए भी लकी होंगे हर दिल जो प्यार है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे एज अ स्टार पर? देखिए एक सुपर स्टार, उसमें कोई दो राय नहीं है, और जितना बड़ा स्टार होता है ऑडियंस उतना देखना चाहती है, और
जितना वो देखना चाहती है, अगर अच्छी फिल्म होती है तो चार चांद लगते हैं। एक कॉम्बिनेशन होता है, जैसे एक परिवार होता है ना कि अच्छी बहू आके अच्छा घर संस्कार देती है, अच्छे माँ बाप अपना संस्कार देते हैं, भाई बहनों का प्यार अच्छा होता है, इसी तरह एक फिल्म भी होती है जहाँ चंद लोग मिलके उसको ऑनेस्टी से काम करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा निकलता है। आपके घर के बड़े अगर साजिद हैं, वो अगर दूसरा राज कंवर है या कोई और डायरेक्टर है वो भी अच्छे हैं, यू नो एक टीम वर्क है, तो उस हिसाब से सब अच्छा ही होता है। और एक कॉम्बिनेशन होता है, मैं मानता हूँ इस बारे में, अगर उनके सितारे मिलते हैं, एक प्रोड्यूसर और हीरो के हमेशा सितारे मिलते हैं, एक दूसरे की लकी है। और मैं ऊपर वाले से ही दुआ करता हूँ कि ता जिंदगी लकी रहे उनके लिए। सर, ऐसी कोई फ़नी चीज़ हुई हो सेट्स पे जो आज भी आपको याद है, किसी भी स्टार या किसी को भी लेकर? देखिए, इतने अच्छे स्टार के साथ काम करते हो, हमेशा लगता है कि यार कहीं इसकी ईगो हर्ट ना हो जाए, कहीं ये बुखार ना हो जाए, कहीं इसको कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं इसको नहीं प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आई वॉज शूटिंग इन साउथ अफ्रीका, बस प्रॉब्लम एक ही थी मुझे वहाँ पर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम विंड की प्रॉब्लम। ऐसी हवा चलती थी सर्दियों की, आदमी सर्दी भी सह सकता है पर सर्दी में जब कितने वोल्ट की वो हवा चलती थी, तो मतलब उसमें खैर डायरेक्टर या बैकग्राउंड में जो लोग होते हैं वो कान बंद करके मफलर चढ़ा के ये जैकेट पहन के हाथों में ग्लव्स लेके काम करते हैं, उसके बावजूद भी इतनी स्पीड वाली विंड मैंने आज तक नहीं झेली। बर्फ़ झेलना आसान है, वो विंड नहीं झेलता। और उसमें वो जो गाना शूट कर रहे थे हर दिल जो प्यार करेगा, यहाँ कपड़े ही कम है। मुझे याद है कि वो सलमान शॉट देते थे, भाग के अंदर आते थे, यू नो वैन के अंदर, और 2 मिनट लगते थे उनको भी, लड़की को भी, क्योंकि विंड इतनी थी। और रात को हम लोग जब पैकअप करके आते थे इसी बात पे हंसते थे कि भैया डिस्टर्ब करना हो किसी को तो कैसे कैसे डिस्टर्ब किया जाता है। हम तो यहाँ तक हमारा जो पूरे शेड्यूल में थे, जा तो ये साउथ अफ्रीका की विंड मिले, तो ये जोक तक मशहूर हो गया था एक दूसरे को बोलने के। दैट वॉज सो फनी। सो और ऐसी कोई मेमोरेबल मोमेंट हो जो सबके साथ शूट करने में आपके आज भी याद? बहुत प्यारी, पूरी फिल्म ही प्यारी थी, और आपस में प्यार मोहब्बत से, बट इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था वहाँ काम करने का, यू नो पूरी टीम में काम करने का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, एक दूसरे की फीलिंग को समझ के काम किया जाता है, तो ये बहुत प्लस पॉइंट था। सर, सलमान जैसे अभी आपने बोला फनी सीन, बहुत बड़े स्टार है तो लोग बाग सोचते हैं, बट सलमान कभी कभी बिल्कुल अलग दिखते हैं, जैसे लगता है काफ़ी सीरियस हो और हो सकता है कि जोक भी कर लें उसी के साथ साथ। देखिए, वो उसके अंदर एक बहुत ऑनेस्ट बच्चा है सलमान खान, जहाँ तक मैं समझता हूँ, आज जितना भी मैंने उनको 15-16 साल में समझा है, उसके अंदर आज भी एक ऑनेस्ट बच्चा जिंदा है उसके दिल के अंदर, और ये सच है। उसको पहचान हो जाती कि ये आदमी छल कपटी है या ये ऑनेस्ट, ऑनेस्ट आदमी के लिए वो आदमी ये बहुत ऑनेस्ट है। आप किसी को थोड़े वक्त के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं, तो उसकी ऑनेस्टी से मैच करना, और कई बार लगता है कि वो रूड है, इंट्रोवर्ट है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर, फिल्म की कलेक्शन के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे, कितना कलेक्शन हुआ था? बेटर ये आंसर आप प्रोड्यूसर साहब से पूछें, साजिद नडियाड वाला साहब से, क्योंकि मैं क्रिएटिव काम करता था, पैसा गिनना उनका काम है। कोई और ट्रिविया देना चाहेंगे आप जो हम दर्शकों के साथ शेयर कर सकें? मैं बोलूँगा लाइफ जिंदगी में एक ही बार लगती है, एक ही बार हम पैदा होते हैं, एक ही बार हम जीते हैं, तो इसको जी भर के जी लो इस ज़िंदगी को, क्योंकि हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। सलमान को क्या कि फिल्म में उसकी एक जगह पे जाके फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ जाती है, जैसे आम जिंदगी में हम फ्रस्ट्रेशन उतारते, किसी से लड़ लेते हैं, किसी पे शाउट कर लेते हैं, गिलास फेंक देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो ये करेक्टर बड़ा म्यूजिकल था, एक गोवा से आया हुआ है, म्यूजिक का स्टार बनने आया हुआ है, तो इसकी अप्रोच भी म्यूजिकल चाहते थे हम, और सलमान को ये नई बात लगी, यू नो नई बात लगी, और उसने दिल से किया, और जैसे किया मैं हॉल के अंदर, तो उसमें कॉमेडी भी थी, इमोशंस भी था, मैंने लोगों को क्लैप करते हुए देखा, और ऊपर सलमान ने खुद गाया भी था, और एक गाना वो और गाना चाहते थे, उनकी बड़ी दिली ख्वाहिश थी, मैंने आपसे शेयर नहीं की बात,
कि एक गाना है, ये गाना उनको इतना पसंद था दूसरा गाना कि वो हमेशा मेरे सामने गाया करते थे, तो मुझे लगता था कि ये उनको बहुत पसंद है ये गाना, तेरे प्यार। कई बार मुझे छेड़ते भी थे इस गाने में गा के, तो फिर एक दिन बोला कि मैं इतना गाता हूँ, आप ये गाना मैं अच्छा नहीं गाता क्या राज, मुझसे क्यों नहीं ये गाना गवाते। मैं कहा अभी वक्त नहीं आया है, तो बाद में गाएंगे, आपने गाया एक गाना। और वाकई वो गाते गाते इतना अच्छा रियाज हो गया था, वो बहुत अच्छा गाने लगे थे इस गाने को, बकायदा प्रॉपर सुर में पीच, उसकी प्रॉपर पीच पकड़ के। और फिर मैंने, मेरे को इंटरल्यूड में कुछ पोर्शन की ज़रूरत पड़ी, तो फिर मैंने उस चीज़ को डायलॉग्स में उनसे डब करवाया, तो एक वो भी नॉवल्टी बन गई थी इस फिल्म की।